जरूर संभव, क्योंकि काम की बात सांसद करनी चाहिए तो वो सुन लो क्या पॉलिसी है, क्या हुआ आपके साथ में, क्या हुआ किसानों के साथ में, क्या नहीं हुआ था तो हुआ। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सभा के संचालन करने वाले मेरे किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, सबसे बड़ा इशू है जो मुद्दा है वो है तीन जो बिल आए हैं, भारत सरकार जो बिल लेकर आई है। आप थोड़ा सा साइड में हो जाओ, आप लगा रहे आप, अरे इन्हें प्रेस वर्ग को मत कुछ कहो, इन्हें ना कहो कुछ, इन्हें कर लेंगे तो अपना काम फिर काम कर ले कर लो। देखो मुद्दा कहां से शुरू हुआ, मुद्दा हुआ के तीन बिल, एमएसपी पे कानून, बिजली अमेंडमेंट बिल पुरानी, बहुत स्पीड से करीब करीब 40 बिल सरकार लेकर आई और फोर लाइन में है, अभी सीड भी लाइन में है। आपको बीज कौन सा बोना है वो भारत सरकार बताएगी, इसका एक कानून आ रहा है, कौन सा बीज आपको बोना है, किस कंपनी का है, उसकी क्या वो है, अगर वो कंपनी से आपने नहीं खरीदा किसी दूसरी कंपनी का है तो आपके ऊपर मुकदमा होगा। कोई सोच सकता था कि पुराली के ऊपर मुकदमे होंगे, कोई सोच सकता था कि बिजली के थाने खुलेंगे, नया जो सीड भी ला रहा है उसकी भी सीड पुलिस बनेगी, नया पुलिस थाने खुलेंगे बीच के। ये पूरा धंधा है कि खेती किसानी किसान के हाथ से जाए और यहाँ पे जो बड़ा बड़ा व्यापारी है वो खेती किसान में वोट करे। ये जमीन छीनने का प्रोग्राम है, ये भूख आदमी को कितनी लगेगी, एक मजदूर को, अरे क्या बीमारी है भाई, क्या बीमारी है, क्या अरे बीमारी है क्या, तेरे पास छोटा सा टंडर सा है, उन्हीं लेबदारी कर रहा, बैठ जा, क्या 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 अच्छा नहीं ज्यादा होगा। देखो क्या है हालात, रोटी बाजार की वस्तु ना बने ये आंदोलन उसका है। यहाँ पे जिस तरह के व्यापारी आ रहे हैं उन्हें सर्वे करवाया कि सोना जो हमारी माताएं बहने यूज करती है, जो सबसे महंगी धातु पूरे दुनिया की है, एक साल में 17 बार उसको पहरा जाता है। उन्हें कहा कि नहीं व्यापार सोने का नहीं करना, व्यापार करना है जिस वस्तु को एक साल में 700 बार पहरा जाता हो, उसका यूज किया जाता हो, वो है अन्न, वो है रोटी, और उसकी कीमत होगी जब जितनी किसी को भूख लगेगी, भूख के आधार पर देश में रोटी की कीमत तय होगी। यह आंदोलन उसका है, हमको रोटी तिजोरी की वस्तु नहीं बनने देना, हमको अनाज व्यापारियों की तिजोरी में बंद नहीं होने देना। ये गरीब की लड़ाई है, ये उस मजदूर की लड़ाई है जिसके पास में एक बीघा भी जमीन नहीं है, जिसके पास में एक बिस्वा भी जमीन नहीं है। उस आदमी का क्या होगा, उस दुकानदार का क्या होगा जो कोने पे दुकान लगाता है, दुकान पे दुकान लगाता है, 100 परिवार को उधार सामान देता है। ये दुकानदार भी बर्बाद होंगे, ये व्यापारी भी बर्बाद होंगे, ये छोटा किसान भी बर्बाद होगा, ये बड़ा किसान भी बर्बाद होगा। जब अनाज व्यापारी की तिजोरी में बंद हो जाएगा तो ये देश का किसान बर्बाद होगा। ये नहीं होने देना, ये लड़ाई खाली किसान की नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान के आम जनमानस की है। आपको तोड़ने की कोशिश करी जाएगी, आपको पंजाब और हरियाणा में बांटा जाएगा, आपको सिख नॉन सिख में बांटा जाएगा, आपको छोटे बड़े किसान में बांटा जाएगा। ये सब फार्मूले फेल हो चुके हैं, अब ना किसान बटेगा ना ये देश बटेगा। ये बांटने के 3 राज्यों का तो है, कर्नाटक के अंदर 10,000 ट्रैक्टर इकट्ठा हुआ, वो कहां से आया, ये इकट्ठा होगा आपके 4 लाख ट्रैक्टर इकट्ठा करे, अगला टारगेट 40 लाख ट्रैक्टर का इकट्ठा करने का है। इस आंदोलन से 40 लाख ट्रैक्टर जुड़ेंगे, हम जाएंगे हिंदुस्तान के हर गांव में जाएंगे, हमारे लोग जाएंगे हिंदुस्तान के हर गांव में जाएंगे, हर स्टेट में जाएंगे, जो 40 जत्थेबंदी है वे लोग जाएंगे, संयुक्त मोर्चा जाएगा,
बहुत कहते हैं कि संयुक्त मोर्चा टूटेगा, ना हमारा मंच टूटेगा ना हमारा मोर्चा टूटेगा, हमारा पंच भी यही रहेंगे, हमारा मंच भी यही रहेगा, दोनों भी यही रहेंगे। सरकार गलत फैली बना रहा है, ना मंच टूटेगा ना पंच टूटेंगे, हमारा मंच समूह रहेगा, हमारे पंच भी यही रहेंगे। किसानों के फसलों के फैसले किसान करेगा, सरकार से फैसले पंच करेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे कि लाल किले पर चलेंगे। अरे हम पिछले 35 साल से आंदोलन करते हैं, हम हर बार कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे, कोई पार्लियामेंट में गया? 1988 में चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी उनके नेतृत्व में 8 लाख आदमी दिल्ली के वोट पर लगते थे, 1 किलोमीटर की दूरी थी, कोई पार्लियामेंट में गया? हर पुलिस वाले ने षड्यंत्र रचा गया यहाँ पे, पूरा षड्यंत्र सरकार का था कि लाल किले पर उठा लो, वहां पर हुआ वाले किसी एक बालक ने शाम को 7 बजे कह दिया कि लाल किले पर जाऊंगा और सुबह 9 बजे लाल किले के कोठी में बैठा मिला। ये कौन सा षड्यंत्र है? षड्यंत्र रचने के खिलाफ धारा 120 लगती है, 120 भी वो 302 से भी खतरनाक है, 120 भी जिसने भी षड्यंत्र रचा उसके खिलाफ ये लगेगी। कौन सी एजेंसी जांच करेगी? कौन उनको लेकर है वहां पे? कोई वहां पर कोई देश की लड़ाई थी कि देश आजाद होगा लाल किले से? हमारे फसलों के भाव तय हो गए, हमारा मनोबल डाउन करने की कोशिश करी गई। 84 से भी भयंकर स्थिति होने वाली थी, सरदार को बांटने का कोशिश थी, और लोग थे जो कश्मीर में जवान को पत्थर मारता है और दिल्ली में किसान को पत्थर मारता है, क्या करप्शन है इनका? ये बताना पड़ेगा यहाँ की सरकार। घबराने की जरूरत नहीं, ये आंदोलन लंबा चलेगा आपका, आपको सिपाही काम करना होगा। यह आंदोलन खाली पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये महाराष्ट्र हमारे लोग हैं। हम गए महाराष्ट्र में 2 मीटिंग करने, बड़ी बड़ी सभाएं पूरे देश भर में होगी। हमारा कोई सत्ता परिवर्तन का नहीं है, सरकार का जो काम है वो करें। हमारा काम है किसानों के बिल वापसी ले लो, MSP में कानून बना दो, आधे रेट में फंसले किसान पूरे देश का बेच रहा है, ये अब नहीं होगा। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक भारत सरकार हमारी कमेटी से बात नहीं करेगी, हमारे मुद्दों का समाधान नहीं करेगी। नौजवानों को फंसाने की साजिश रच रहे, लाल किले पर जाके एक धार्मिक झंडा फहरा दिया, उसकी क्या धाराएं बनती है? कहीं विवादित जगह पे झंडा फहराने की क्या धाराएं बनती है? वो कर दो झंडा करो धाराएं, देश को रोके तुमने, कौन सा देश को रोका? काम कर दिया। दिल्ली के चक्र में हमने दिल्ली की सड़कों पे हमारे किसानों को फंसाया गया, 3 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में आए, 25 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली में आए, एक डरा किसी का नहीं लगा, एक पत्थर एक पत्ता किसी का नहीं तोड़ा। हमारे लोग वहां से निकल कर चक्र को अपने गांव की तरफ चले गए, फिर प्रारंभ नहीं कि गांव की तरफ लोग जा रहे, इनको प्रचार करो, ये लोग गांव में चले गए, सब गांव में चले गए, कोई गांव में नहीं गया था। जो हमारे 3 से 4 लाख ट्रैक्टर आए थे वे लोग गांव की तरफ जा रहे थे। हमारे मोर्चे यही है, पक्के मोर्चे हमारे, सरकार बात कर ले, बात करने को हमारी कमेटी तैयार है। क्या मसले हैं, कौन से व्यापारी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये नहीं होगा, आप पूरे फैसले होंगे जो मुकदमे लिखे गए हैं उनके फैसले होंगे, बातचीत से समाधान निपटेगा, बातचीत से समाधान निपटा हो। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हरियाणा की थाप पंचायत को, जो हर मोर्चे पे, वो चाहे आजादी की लड़ाई हो चाहे वो दूसरी लड़ाइया हो, हर मोर्चे पे थाप पंचायत हरियाणा उत्तर प्रदेश जितना भी दिल्ली के कार्यकर्ता के जो लोग हैं वे साथ देते हैं। थाप पंचायतों का धन्यवाद है कि उन्हें साथ दिया। जितनी भी पंजाब की जत्थेबंदी है वो किसी भी नाम से काम कर रहे थे, भारतीय किसान यूनियन में किसी भी मोर्चे से काम कर रहे थे, वे अपने सब मतभेद भुला के एक मंच पाए। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं पंजाब को कि उन्होंने इसकी अगुवाई करी है, उन्होंने 2 महीने आंदोलन चलाए, हमने भी प्रदर्शन करे, लेकिन हमने 1 दिन के प्रदर्शन करे, हमने प्रदर्शन करे, रास्ते जाम करे, ज्ञापन दिए, अपने काम पर लगे रहे, लेकिन हरियाणा के लोग पिछले कई महीने से 5-6 महीने से लोग लगे हुए हैं। लॉकडाउन में जिस तरह से गुरुद्वारे लंगर हमारे गुरुद्वारे में लगाए,
जब उनको सलामी देते थे, आज वे खराब हो गए। अरे हमको नहीं छोड़ना सरदार कौम, आपकी बार हमको मिली है, इसको नहीं छोड़ना। हमारे दान पुन हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो ठियाबंदी नहीं थी, आपकी बार हमको ठियाबंदी मिल गई। अनाज की उसकी कोई कमी नहीं है, हमको ठियाबंदी वाले लोग चाहिए थे। हमको पंजाब आपकी बार मिला, सरदार कौम आपकी बार मिली, इसको नहीं छोड़ना। बोली बल्ली, इसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना। इसी से आंदोलन पूरे देश के फैसले यहाँ से ही होंगे। आपकी तरफ सब लोग नजर देख रहे हैं, दिल्ली के चारों तरफ जो 300 किलोमीटर का क्षेत्र है, इसकी तरफ पूरा देश का किसान नजर देख रहा है। कर्नाटक में 10,000 के तरफ रखे हुए, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, सब जगह आंदोलन चल रहे। ये खबरें आप तक नहीं आएगी। इधर प्रेस वालों को कुछ नहीं कहना, मीडिया वालों को घुमाओ, अपने कैंप पर दिखाओ, इनको कुछ नहीं कहना। कैमरा और कलम के ऊपर बंदूक का कहना है, जितनी खबर दे रहे हैं, अगर खबर गलत दे रहे हैं तो उसको समझना कि खबर सही है। इनकी मजबूरी है दिखाना, इनको घुमाओ, इनको दिखाओ। जब इतिहास लिखा जाएगा तो सारी चीज दिखाई। अगर कोई मीडिया के लोग हमारे पक्ष में दिखाना चाहते हैं, उनके ऊपर छापे लग रहे हैं, उनको केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, उनको मान लिया गया कि ये किसानों के साथ में है, ये अत्याचार है, लोकतंत्र की हत्या है पूरी। बंदूक का पहरा कैमरा और कलम पे है, ये नहीं होगा देश में। जिनको राज कर रहे हैं विराज कर रो। और दूसरी चीज एक और बताना चाहता हूँ, ये आंदोलन पूर्ण नॉन पॉलिटिकल है। कोई भी पॉलिटिकल आदमी इसमें से वोट तलाश ले मत आना। ये रोटी का आंदोलन है, ये रोटी का ही आंदोलन रहेगा, या अनाज का आंदोलन है, या अनाज का ही रहेगा, ये वोट का आंदोलन नहीं है। कोई भी ऐसा समझना के यहाँ से किसी को समर्थन हो जाएगा ना, यहाँ नाम के लिए मंच है, नाम के लिए मंच है। वे आइए, पीछे हटो, अपने लोगों से बात करो, चलो। ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी जत्थेबंदी से भारत सरकार बात नहीं करेगी, हमारे जो इशू है उसमें काम नहीं होगा, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। हम पूरे देश में जाएंगे, हमारा अगला टारगेट 40 लाख टेक्टर